दोस्तों हेलो दोस्तों नमस्कार, आपके जीके ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। हमने अगली बार आपको दिखाया था कि बाहर से मैरिज सर्टिफिकेट बनाना, लव मैरिज करना, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, कहाँ पर शादी ब्याह होती है, ये सब मैंने आपको दिखाया। तो अब मैं आपको अंदर से ले आकर दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर आपका शादी ब्याह होता है, लव मैरिज होता है, अरेंज मैरिज होता है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट भी बनता है और शादी वाला भी बनता है। तो यहाँ पर आप आके आराम से यहाँ पे आप बना सकते हैं, देख सकते हैं कागज़ पत्र। तो ये एक गली है, यहाँ से भी आ सकते हैं। ये जहाँ पे सहज जन सेवा केंद्र उस रास्ते आ सकते हैं, यहाँ पे आपका जिला अधिकारी का था कार्यालय, वहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जाएँगे, ये मस्जिद है, मस्जिद के पास हमारा जहाँ पर रजिस्ट्री होता है, वहाँ पर एक रजिस्ट्री के बगल में ही शादी विवाह होता है। तो वहाँ पर आप जाके शादी विवाह कर सकते हैं। ये मस्जिद है और गंदगी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कचहरी में बहुत ही गंदगी होती है। और यहाँ पे आप जाएंगे तो देख सकते हैं कि ये ऑफिस मैंने आपको दिखाया था, ये पुराने वीडियो का कुछ अंश है, आपको याद आया कि नहीं। फिर इसके बाद आपको यहाँ देखने का गंदगी है। और फिर यहाँ पे आपको एक यहाँ पे कार्यालय मिलेगा, देख सकते हैं। फिर इसके बाद सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कई लोग आते हैं शादी विवाह करने, तो आप भी आ सकते हैं शादी विवाह करने। ज़मीन की रजिस्ट्री यहीं पे होती है गोरखपुर में, तो यहाँ रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर आप किसी का रजिस्ट्री कराना है तो हमसे संपर्क करिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफिस है, ऑफिस के अंदर दिखेगा यहाँ पर कि ये देखिए, यहाँ पर आपका ऑफिस है, यहीं पे आपका कागज़ पत्र जमा होता है। और इस समय मैं कैमरा थोड़ा छुपा दे रहा हूँ क्योंकि लोगों को शक हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बैठने का व्यवस्था भी है यहाँ पर। और यहाँ पर आप आकर कागज़ पत्र जमा कर सकते हैं। मैं आपको कागज़ बता दूँ, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका मार्कशीट लगेगा, दो गवाह लगेंगे, एक शपथ पत्र लगेगा और फोटो लगेंगे। आपको ऑनलाइन आवेदन करके उसकी कॉपी भी लानी होगी सिग्नेचर करा के। तो ये सब दोनों ये सब कागज़ पत्र लेके आएंगे और यहाँ पे आप जमा कर देंगे। उसके बाद आपका अंगूठा लगेगा और आपकी फ़ोटो यहाँ पे ऑनलाइन खींचा जाएगी। और उसके बाद आपका रजिस्टर हो जाएगा कि आप लोगों ने शादी किया है। तो ये सब कागज़ आप लेके आएंगे तभी आपका यहाँ पे शादी हो पाएगा। तो ये नहीं कि आप ऐसे आ जाएंगे और गप से शादी हो जाएगा, नहीं। दो गवाह लेके आने पड़ेंगे, मार्कशीट लेके आना पड़ेगा, हाई स्कूल का आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा, यहीं पे आपका अंगूठा लगेगा और यहीं पे आपकी शादी हो जाएगी। मेरे सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आपको ऑनलाइन आवेदन करके आना है, नहीं तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। वो जिस डेट दिया जाएगा उस डेट को आना है, उतने बजे आना है और उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे और यहाँ पे आपकी शादी हो जाएगी। अगर आपको शादी कराना है तो हमसे संपर्क करिए और आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं और आराम से शादी विवाह कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमको उम्मीद हुआ होगा कि आपको पता चल गया होगा कि गोरखपुर में शादी कहाँ होती है और रजिस्ट्री भी कहाँ होती है। तो इस तरीके से आप आराम से शादी विवाह कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कानूनन है, लीगल है और आप पुलिस भी आप पे कुछ भी एक्शन नहीं कर सकती है। लड़की लेके भागने से अच्छा है कि आप शादी कर लें। या ऑफिस में देख सकते हैं, ऑफिस यहाँ पर है गोरखपुर में, आप यहाँ पे आराम से आइए, शादी करिए, बिंदास घूमिए। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और लड़का 21 साल और लड़की 18 साल से ऊपर है तो आप यहाँ पर आकर आसानी से शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप आराम से अपना जीवन जी सकते हैं आराम से और इसमें किसी प्रकार का कोई भी लफड़ा भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया है सरकार ने कि कई लोग शादी करना चाहते हैं, घर परिवार की मंजूरी नहीं होती है
तो क्या करें, कोर्ट मैरिज करें, कहाँ जाए, कैसे जाए। तो अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो वीडियो के कमेंट में आप अपना हमको कमेंट कर सकते हैं कि मुझे शादी करना है, तो मैं आपसे संपर्क करूँगा और उसके बाद आप हमको अपना दे दीजिएगा, हमसे बात हो जाएगा, कचहरी मिल लीजिएगा, आपकी शादी आपको मैं करा दूँगा। बहुत ही कम खर्चे, मात्र 3,000 में आपकी शादी कंप्लीट हो जाएगी। और आप अपने घर जाइए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।